खाना साहब का नाम बदल के फलाना फलाना रख देंगे। उस पाकिस्तानी से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि चू जिस टाइम ये टाइम आ जाएगा ना सिखों को अपना टाइम दिखाने के लिए और अपनी ताकत दिखाने के लिए, हम करोड़ दो करोड़ बस उतने ही बस हैं तुम्हारे लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए बस हैं। और माइका लाल तुम लोग इतने को सारी दुनिया ने देखा है कि जभी जभी कोई जंग हुए ना तो ऐसे भागते हो तुम पाकिस्तानी, ऐसे भागते हो कि साला पिछवाड़ा भी नहीं देखते तुम लोग। अरे तुम उधर हाथ तो लगा के देखो, तुम इतनी बकवास करता है तू उधर हाथ लगा के देख कि क्या होता है। फिर जिधर जाते हो पीछे से सामने लड़ो ना, किधर दम है तुम लोगों में। बीते दिनी पाकिस्तान च मुसलमाना वालों श्री गुरु नानक देव जी दे जन्म स्थान श्री ननकाना साहब च पत्थरबाजी की गई ते नाल ही शरेआम सिख भाईचारे नू ललकारिया भी गया सी, जिस तो बाद वापरे इस घटना कारण दुनिया भर विच इस दी निंदा की जा रही है। जी हाँ, हुण इस मामले नू लैके एक सरदार व्यक्ति दी वीडियो भी सोशल मीडिया ते काफी वायरल हो रही है, जिस विच इस सरदार व्यक्ति वालों पाकिस्तान नू काफी खरिया खरिया सुनांदे होए पाकिस्तान नू लानता पाईया जा रही ने। दोस्तों, आज मैंने एक वीडियो देखा है ननकाना साहब गुरुद्वारे के बाहर पाकिस्तान के कुछ लोगों ने बेहुदा हरकत की है और कहा कि ननकाना साहब का नाम बदल के फलाना फलाना रख देंगे। उस पाकिस्तानी से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि चू हम लोग जितने इंडिया में है ना सिख, तुम्हारे पूरे पाकिस्तान के लिए काफी हैं, समझे। अभी और कुछ देखना है तो वो समय बहुत कम है तुम लोगों के लिए। जिस टाइम ये टाइम आ जाएगा ना सिखों को अपना टाइम दिखाने के लिए और अपनी ताकत दिखाने के लिए, हम करोड़ दो करोड़ बस उतने ही बस हैं तुम्हारे लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए बस हैं। और माइका लाल तुम लोग इतने को सारी दुनिया ने देखा है कि जभी जभी कोई जंग हुए ना तो ऐसे भागते हो तुम पाकिस्तानी, ऐसे भागते हो कि साला पिछवाड़ा भी नहीं देखते तुम लोग। और तुम लोगों का अभी हुआ ना आर पार कभी, तो फिर याद रखना क्या होगा, हम सरदार कितने हैं, जितने कम है ना, तो हमारे गुरु गोविंद सिंह जी ने बताया हम 1.25 लाख के बराबर हैं। और 1.25 लाख के बराबर है ना, तो तुम्हारे को तो ना एक एक जो है 2.5 लाख को पूरा पड़ेंगे हम लोग। गुरु गोविंद सिंह जी ने शक्ति जितनी दे के गई थी, और तुमने अभी गुरु नानक देव जी के गुरुद्वारे की बात की, अरे तुम उधर हाथ तो लगा के देखो, तुम इतनी बकवास करता है तू उधर हाथ लगा के देख कि क्या होता है। फिर ननकाना साहब के गुरुद्वारे को तुम लोग सोचे ये कर लोगे वो कर लोगे, तुम लोग ने हमेशा जहां कम लोग होते हैं ना जो मजबूर हैं, लाखों लोग जाओगे 25-50 पे दम देके उनको मारोगे, अरे जाओ ना 100 के साथ 100 का मुकाबला करो, कभी किया है दुनिया में। वहां पीछे से वार करते हो, पीछे से बॉम्ब डालते हो, अफगानिस्तान में भी तुम लोग ऐसे ही करते हो, जिधर जाते हो पीछे से सामने लड़ो ना, किधर दम है तुम लोगों में। अरे हाँ, पूरे इंडिया से तुम्हारा पूरा पाकिस्तान वार कर ले ना, हम लोग सिर्फ सिख ही बहुत हैं, पूरे देश तो हमारे पीछे खड़ा है, वो हमारे इंडियंस में इंडिया के जो मुस्लिम है वो भी हमारे साथ हैं। तुम लोग इतने नालायक लोग हो कि पूरे वर्ल्ड में आतंक तुम लोगों ने फैलाया है, और वर्ल्ड चाहता है कि तुमको पीस पास के खत्म कर दें, क्योंकि तुम्हारे वजह से मुसलमान जो बिरादरी है ना पूरे वर्ल्ड में भुगत रही है, हमारे इंडिया में भी उन लोगों को तकलीफ है, हमारे साथ पूरे इंडिया के मुसलमान है। और तुम अगर सोचते ननकाना साहब को कुछ करे तो तुम्हारी जो पाकिस्तानियों की जात है ना पाकिस्तान का नामो निशान खत्म कर देंगे, इतना बताते हैं तुम्हारे को। और मैं चाहता हूं कि जिड़े मेरे सिख भरा ने इस वीडियो नो वायरल करन ते पता चले पाकिस्तानी उस मुस्टंडे तक भी पहुंचे जेड़ा बहुत वड्डी अपनी अपनी गला मार रहे हैं कि इदा इदा कर रहे हैं। मैं कहना एक भी नहीं रहने देंगे अगर इस तरह की गल करेंगे अपनी कंट्री दे बारे और अपने देश दे बारे, साढ़े देश दे बारे और साढ़े गुरुद्वारे दे बारे गल की थी, तो फिर तुम सारी तैयार रहो की करना वो सोचन की भी लोड़ नहीं है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। दस दिए कि पाकिस्तान दे गुरुद्वारा श्री ननकाना साहब विच हमला करन वाले इमरान अली चिश्ती ने फेसबुक ते लाइव होके अपने किते दी माफी ता मांग ली है, पर इस घटना तो बाद सिख भाईचारे दे हिरदे बलुंदरे गए ने, जिसे चलते उन्हां दा गुस्सा हले भी सतमें आसमान ते है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल पंजाब। हाँ, लेटेस्ट खबर नू सब तो पहला देखने लिए साडे चैनल चैनल पंजाब नू करो सब्सक्राइब ते नोटिफिकेशन लई दबाओ बेल दा बटन। It's cool to be Punjabi.